देश में चल रही महामारी से मुक्ति हेतु आज भगवान परशुराम के प्राकुटोत्सव पर 108 परशुराम स्त्रोतोत्पाट कर महामारी के विनाश की कामना की गई। पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में कृष्ण की नगरी मथुरा धर्म कर्म के लिए जानी जाती है। जनता को अतिशीघ्र इस महामारी से निजात मिल सके, इसके लिए तमाम अनुष्ठान हवन पूजा यहाँ के विद्वानों के द्वारा किए जा रहे हैं। आज भी प्राण प्रतिष्ठित चल रहे विग्रह का पंचामृत से जन्म महाभिषेक किया गया। वहीं कोरोना की वजह से इस बार सूक्ष्मता से प्राकुटोत्सव उत्सव मनाया गया, जहां लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। इस बार भगवान परशुराम का परंपरागत प्राकुटोत्सव कोरोना महामारी के चलते सूक्ष्मता से मनाया गया। सजातीय बंधुओं को सुरक्षात्मक दृष्टि से आमंत्रित नहीं किया गया। प्रातः बेला के शुभ मुहूर्त में मोहित भवन में विराजमान प्राचीन अष्ट धातु के भगवान परशुराम के विग्रह का पुरुष सूक्त के पाठ के साथ वैदिक विधि विधान से पंचामृत जन्म महाभिषेक विप्र सेवी पंडित अमित भारद्वाज और श्री मद्भागवत कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित शशांक पाठक ने घंटे घड़ियाल की मंगल ध्वनि के मध्य किया। अभिषेक के उपरांत बेला के पुष्पहारों से श्रृंगारित कर शीतल पेय सतुआ मौसमी फलों का भोग अर्पित किया गया। महामारी से विश्व को मुक्ति मिले, इसके लिए स्तुति कर याचना की गई। वहीं 21 दीपों से महाआरती की गई। पंडित अमित भारद्वाज ने कहा कि सभी ब्राह्मण बंधुओं को परशुराम के कार्यों से प्रेरणा लेकर समाज हित और लोक हित कार्यों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। सर्व कल्याण की भावना से जनहित के कार्यों का संगलन रहना चाहिए। इस मौके पर विश्व कल्याण की भावना महामारी से मुक्ति का संकल्प लेकर पंडित शशांक ने 108 पाठ का अनुष्ठान भी किया। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मोहित भवन में विराजमान भगवान परशुराम की अष्ट धातु की प्राचीन शिग्ध विग्रह का पंचामृत महाभिषेक किया गया है। इस बार अन्य विप्र बंधुओं को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया कोविड-19 महामारी के चलते। इस बार बहुत सूक्ष्मता के साथ यह आयोजन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम पंचामृत महाभिषेक किया गया। पंचामृत महाभिषेक के उपरांत पूजन अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के बाद आरती और पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस बार यह आयोजन सूक्ष्मता से करने की अपील हमने की थी और उसी अपील का भी हमने पालन किया है, क्योंकि इस महामारी के दौर में किसी को बुलाना किसी के स्वास्थ्य हानि करना है। इसलिए हमने इस बार यह आयोजन बहुत ही शुभता के साथ किया। भगवान परशुराम के प्राचीन विग्रह का पंचामृत महाभिषेक पूजन अर्चन करके जय भगवान परशुराम।